दोस्तों 2001 आईसीसी ट्रॉफी के चैंपियंस और 2003 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली केन्या क्रिकेट टीम आज क्रिकेट की दुनिया से लगभग गायब हो चुकी है। एक समय में दुनिया की बड़ी से बड़ी टीमों को हराने की क्षमता रखने वाली केन्या क्रिकेट टीम का आज दोस्तों नामो निशान तक मिट चुका है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, क्या है वजह जिसने केन्या क्रिकेट को अर्श से फर्श तक पहुँचा दिया। आइए जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। Like most of other countries, केन्या में भी दोस्तों क्रिकेट कॉलोनियल पीरियड के दौरान ही पहुंच गया था। 1962 में तो अंग्रेज केन्या से चले गए, लेकिन केन्या के लोग के लिए वहां पर क्रिकेट छोड़ के गए। अंग्रेज के चले जाने के बाद दोस्तों ईस्ट अफ्रीका के तीन देशों ने मिलकर ईस्ट अफ्रीका क्रिकेट टीम बनाई। इन तीनों देशों में केन्या, टंजानिया और युगांडा शामिल था। बाद में जैम्बिया भी इस टीम में शामिल हो गया और ये चारों देश मिलकर ईस्ट अफ्रीका के झंडे तले इंटरनेशनल मैचेस खेलने लगे। कहने के लिए ये चार देशों की टीम थी, लेकिन दोस्तों इसकी असल ताकत केन्या ही थी। 1967 में टीम इंडिया ईस्ट अफ्रीका के दौरे पर गई, जहां उसने ईस्ट अफ्रीका के साथ तीन दिनों का एक टेस्ट मैच खेला, जो कि ड्रॉ रहा। 1975 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ईस्ट अफ्रीका को खेलने का मौका मिला। इस वर्ल्ड कप के लिए दोस्तों ईस्ट अफ्रीका की टीम में शामिल 14 खिलाड़ियों में से 7 खिलाड़ी अकेले केन्या के ही थे। 1979 वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी क्वालिफिकेशन रूल्स लेकर आ चुकी थी और ईस्ट अफ्रीका वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। 1981 में दोस्तों केन्या ईस्ट अफ्रीका से अलग होकर सेपरेट टीम बन गए। आईसीसी की ओर से उसे एसोसिएट मेंबर का भी दर्जा मिल गया। 1982, 1986 और 1990 में आईसीसी ट्रॉफी में हिस्सा लेने के बावजूद केन्या की टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में असफल रही। 1994 आईसीसी ट्रॉफी का आयोजन केन्या में ही किया गया, जिसका उसे फायदा भी मिला और टीम फाइनल तक गई। आईसीसी ट्रॉफी का रनर अप होने की वजह से केन्या को 1996 वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला। 1996 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में 166 रन पर ऑल आउट होने के बाद केन्या ने वेस्टइंडीज को सिर्फ 93 रन पे ऑल आउट कर दिया और वर्ल्ड कप में दोस्तों एक बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया। 1996 वर्ल्ड कप के बाद केन्या को वनडे क्रिकेट का भी दर्जा मिल गया। 1997 आईसीसी ट्रॉफी में केन्या एक बार फिर से फाइनल में पहुंची, लेकिन फाइनल में उसे बांग्लादेश के हाथ हार मिली। 1998 में बांग्लादेश और इंडिया के साथ ट्राई सीरीज खेलने के लिए केन्या की टीम आई। इस ट्राई सीरीज में केन्या ने एक मैच में दोस्तों इंडिया को भी 69 रनों से हरा दिया। 2001 में साउथ अफ्रीका और इंडिया के साथ ट्राई सीरीज में केन्या ने एक बार फिर से टीम इंडिया को 70 रनों से हरा दिया। केन्या ने अलग अलग टीमों के साथ क्रिकेट खेलना जारी रखा और उसकी परफॉर्मेंस में भी सुधार होता रहा और फिर आया 2003 वर्ल्ड कप का वो सुनहरा साल, जिसने केन्या क्रिकेट टीम को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इस वर्ल्ड कप का आयोजन दोस्तों साउथ अफ्रीका में किया गया था, लेकिन अपने दो मैचों की होस्टिंग केन्या को भी मिल गई थी, यानी कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ केन्या को अपने मैच अपने ही घर में खेलने थे। केन्या को अपने पहले मैच में साउथ अफ्रीका से हार मिली, लेकिन दूसरे मैच में दोस्तों उसने कनाडा को 4 विकेटों से हरा दिया। सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से न्यूजीलैंड की टीम ने केन्या जाने से मना कर दिया, जिस वजह से केन्या को इस मैच का विजेता घोषित करते हुए उसे सारे पॉइंट्स दे दिए गए। अपने अगले होम मैच में केन्या ने श्रीलंका को 53 रनों से हरा दिया, जो वर्ल्ड कप का दोस्तों एक बड़ा उलटफेर था। श्रीलंका को हराने के बाद उसने बांग्लादेश को भी 32 रनों से हराया और केन्या पहले राउंड से आगे बढ़ते हुए सुपर सिक्सेस में पहुंच गए एंड इवेंचुअली केन्या वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी पहुंचने में कामयाब रही। सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही केन्या ने कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए। केन्या की टीम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली पहली और अब तक की एकमात्र एसोसिएट टीम है। साथ ही सेमीफाइनल तक का सफर तय करने वाली भी ये अब तक की एकमात्र नॉन टेस्ट टीम है। सेमीफाइनल में दोस्तों केन्या का सामना इंडिया से हुआ, जिसमें टीम इंडिया ने केन्या को 91 रनों से हरा दिया। इस हार के साथ ही 2003 वर्ल्ड कप के सुनहरे सफर का अंत हुआ, साथ ही केन्या क्रिकेट का भी पतन दोस्तों शुरू हो गया। वर्ल्ड कप के बाद केन्या की टीम ने पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के साथ क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट खेला, लेकिन इस टूर्नामेंट में दोस्तों ये टीम अपने सभी मैचेस हार गई। 2004 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी टीम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। अगस्त 2004 में केन्या के स्टार क्रिकेटर मॉरिस को मैच फिक्सिंग की वजह से बैन कर दिया गया। मॉरिस का दोस्तों मैच फिक्सिंग में पकड़ा जाना केन्या क्रिकेट के लिए घातक साबित हुआ। इस घटना के बाद स्पॉन्सर्स टीम ने अपने अपने हाथ केन्या से पीछे खींचे। क्रिकेट बोर्ड में इंटरनल पॉलिटिक्स बढ़ गए। अलग अलग डिमांड्स को लेकर क्रिकेटर्स स्ट्राइक पर चले गए। इन सभी घटनाओं का अंजाम ये हुआ कि 2004 के बाद अगले दो सालों तक केन्या ने कोई भी वनडे मैच नहीं खेला। 2006 में केन्या क्रिकेट एसोसिएशन को खत्म करके क्रिकेट केन्या की शुरुआत की गई। इस नई शुरुआत की वजह से केन्या 2007 वर्ल्ड कप में जगह बनाने में कामयाब रही, लेकिन दोस्तों 2003 वाली परफॉर्मेंस ये टीम दोहरा ना सके। केन्या क्रिकेट की ओर से मजबूत टीम बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके पुराने दिन वापस नहीं लौट सके, क्योंकि 2003 वर्ल्ड कप के मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स काफी ज्यादा उम्र के थे और इनके बैकअप के तौर पर केन्या ने यंग प्लेयर्स तैयार नहीं किए थे। यंग प्लेयर्स की कमी की वजह से टीम दिन प्रतिदिन कमजोर होती गई।
2011 वर्ल्ड कप के लिए भी केन्या ने क्वालिफाई तो कर लिया था, लेकिन दोस्तों इस पूरे टूर्नामेंट में उसका प्रदर्शन काफी बुरा रहा। 2011 वर्ल्ड कप के बाद बोर्ड ने सभी ओल्ड प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले सबसे उम्र दराज प्लेयर की उम्र 29 साल थी। एक्सपीरियंस प्लेयर्स को दोस्तों पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। नए प्लेयर्स में उस लेवल का टैलेंट नहीं था। नतीजा ये रहा कि टीम की परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन बस से बदतर होती चली गई। बोर्ड में इंटरनल पॉलिटिक्स भी अपने पीक पर थी। प्लेयर्स और बोर्ड कई मुद्दों पर आमने सामने होने लगे। ये सारी चीजें दोस्तों इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि क्रिकेट कहीं पीछे छूट गया। और फिर देखिए 2014 में आईसीसी ने केन्या से वनडे क्रिकेट का दर्जा वापस ले लिया। 2018 में आईसीसी ने सभी मेंबर्स को फुल टी20 इंटरनेशनल का दर्जा देने का फैसला किया, जिस वजह से टी20 फॉर्मेट में केन्या का एक्जिस्टेंस बना हुआ है। लेकिन केन्या में क्रिकेट अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। इस देश के युवाओं ने भी क्रिकेट को छोड़कर अलग अलग स्पोर्ट्स अपना लिए हैं। वेल दोस्तों, आप मुझे बताइए केन्या एक टाइम पे आपको कैसी लगती थी, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।